इंस्टाग्राम रील पेज वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, और अगर आप ऐसा वीडियो बना के अपलोड करते हो ना, आपका वीडियो भी जरूर से वायरल होगा। और इसे वाला वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोगों को एक से दो स्टेप को फॉलो करना है और ऐसा वीडियो आपका बन जाएगा। और ऐसा वीडियो बनाने के लिए ना आप लोगों को VN ऐप को डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर नहीं भी दिया तो आप प्ले स्टोर पर जाना, VN ऐप सर्च करना, डाउनलोड करना, उसके बाद आप ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आप लोगों को प्लस का ऑप्शन पर जाना है, इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, और इसके बाद आप लोगों को मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, उस वीडियो को जाके आप डाउनलोड करना, ठीक है। चलो जैसे कि मैं इस वीडियो को यहाँ लेकर के आ जाता हूँ, इस वीडियो को मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल पर जाना है, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ से 9 वाले रेशो को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद में ना आप लोगों को क्या करना है, आपको इसके साउंड को जो म्यूट कर देना है, और इसके बाद में आपको साउंड ऐड करना है, और वो कैसे करना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों को म्यूट कर देना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आना है, आगे आने के बाद में आपको इसके वाटरमार्क को डिलीट कर देना है, ठीक है। वाटरमार्क को डिलीट करने के बाद में ना अब आपको यहाँ पर ये जो कुछ इस तरीके से आपको भी इसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है। जहाँ से ये मैंने ये कट कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को डिलीट कर दिया, अब अपन ने साउंड को म्यूट किया था तो अपन ने म्यूट कर दिया था। इसके बाद आपको साउंड ऐड कैसे करना था, टैप टू ऐड म्यूजिक पे जाना है, और इसके बाद आपको म्यूजिक पे जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्लस के ऑप्शन पे जाना है, और इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है, ठीक है। इसके बाद में वही वाले वीडियो को वापस से आपको ऐड कर देना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में था, ठीक है। आप उसको यहाँ के वीडियो को ऐड कर लेना जिसको आपने स्टार्टिंग में ऐड किया था, और ओके कर देना, ठीक है। अब इसको मैं ऑलरेडी पहले से लेकर के आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, आप ओके कर लेना। ओके करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप राइट क्लिक करके लेकर के आ जाना, वीडियो से ऑडियो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको प्लस के ऑप्शन पे जाना है, वीडियो एंड फोटो पे जाना है, और अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हो तो आप वीडियो ऐड कर सकते हो, और अगर आप फोटो ऐड करना चाहते हो तो आप अपने 4 से 5 फोटोज़ को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। बट मैं यहाँ से जो विराट कोहली का एक वीडियो डाउनलोड किया हूँ, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने विराट कोहली के एक इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया था, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर कट देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक इस वीडियो में कट दे दिया, एक मैंने इस वीडियो में कट दे दिया, एक मैं आपको सिर्फ ऐसे ही कट करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ऐसे कट करके बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो है वीडियो कट ऐसे नहीं करना, मतलब मेन मूवमेंट जो है ऐड करना है। अब आप अपने हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अलग अलग 2-4 सेकंड की या 3 सेकंड की रिकॉर्ड कर सकते हो आप, ज़्यादा जितनी वीडियो ऐड करोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपकी वीडियो सिर्फ 10 सेकंड तक ही बनने वाली है, ठीक है। अब आप कितनी भी सेकंड की वीडियो बनाओ, अगर आप कम सेकंड की बनाओ तो आपके ज़्यादा वीडियो बनेंगे, मतलब आप 2-3 सेकंड का वीडियो बना लेना, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जो है सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से हर एक वीडियो के लिए थोड़ी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसके लेंथ और मैं थोड़ी सी यहाँ पे और कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग वाली वीडियो की और लेंथ को जो है कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आपको भी अपनी लेंथ को कम कर लेना है, और आपको अपने हिसाब से वीडियो को ऐड करके बना लेना है, ऑडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो को ऐड कर देना, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और ये सारे वीडियोस मैंने ऐड कर लिए, ठीक है। सारे वीडियोस ऐड कर लिए, सारे वीडियोस ऐड करने के बाद मैंने आपको क्या करना है, ये सिर्फ मैंने आपको टेम्परेली बताया है, ज़रूरी नहीं मेरा साउंड जो है, मतलब वीडियो जो है साउंड के साथ में अच्छे से लगेंगे, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को जो है प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको थोड़ा सा आगे आना है, और आपको आगे आने के बाद में आपको यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको इसके आगे एक और ऑप्शन मिलेगा पिक्सल रेडियो वाला, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको राइट क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको वापस इस पर क्लिक करना है, अगले वाले पे, सॉरी आपको आगे वाले पे क्लिक करना है, और आपको वापस से ब्लर के आगे एक पिक्सल रेडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर लेना। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आए तो आप लोग यहाँ से इसके अंदर एक ब्लैक वाले को ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी के अंदर आप ऐड कर लेना, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है एक हाथ के अंदर नहीं आए, क्योंकि लेंथ का हो सकता है, लेंथ का डिपेंड कर सकता है, लेंथ जितनी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अपन जैसे कि इसके अंदर भी लेंथ का डिपेंड है, तो मैंने वैसे लेंथ को कम करके बता दिया आपको। तो आपको सिर्फ करना क्या होगा, आप लोगों को यहाँ से ब्लैक वाला भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि लेंथ कम है और हम लेंथ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप ब्लैक वाला ऐड कर लेना, और अगर आप लेंथ को ज़्यादा कर लोगे तो फिर तो आपका हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके, जैसे कि आप देख सकते हो आपका कैसे ना कैसे करके, मतलब जैसे कि हो ही जाएगा अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये पिक्सल लेप आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपका भी आ जाएगा, ठीक है, कैसे ना कैसे करके। तो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आप रहने दे सकते हो, ठीक है।
लेकिन आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से ऐड करना है। अगर आपका हो जाए तो आप यही वाला ऐड करना, अगर आपका नहीं हो तो आप ब्लैक वाला ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक वाला भी अच्छा लगता है, मैंने भी ऐड किया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक वाला भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ऐड कर लेना आपके हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। आप इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाना है, और एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, और आपका वीडियो जो है निकल करके आ जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पर जाके इसको अपलोड कर देना, और आपका वीडियो ज़रूर से वायरल होगा। और अगर आप फोटो के साथ बनाना चाहो तो आप 4-5 फोटो इसी तरीके से ले सकते हो, और सेम प्रोसेस यही है, आपको यही करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में।